हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 4 बजने वाला है। और सबसे पहले तो मैं उठी हूँ सर्दी के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे नहीं खाऊंगी तो फिर पूरे दिन भर पता नहीं क्या होगा, चक्कर भी आ सकता है। तो इसीलिए आज जल्दी उठ के यहाँ पे हमने सर्दी रख ली है, सर्दी वाला फ्रूट्स वगैरह रख लिए हैं ताकि पूरे दिन भर मुझे एनर्जी मिल पाए। पता नहीं आज कैसे होने वाला है मेरा व्रत, ये तो मुझे भी नहीं पता है। और ये मैंने मेहंदी कल मैंने मेहंदी लगाई थी, ये देखो यहाँ पे रख दो। तो अभी 4 बजने वाला है और हम दोनों का व्रत है, तो मैंने बोला मेरे साथ साथ ये भी खा लेंगे थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, आपको भी दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे रखा है फ्रूट्स अमरूद, ताकि हम दिन भर थोड़ा सा ऑरेंज, ज़्यादा मीठे फल नहीं रखे हैं और ना ही मीठी चीज़ें रखी हैं। इट मीन्स कि मिठाई वगैरह नहीं रखी है क्योंकि उससे ज़्यादा प्यास लगती है। और यहाँ पे रखे हैं पीनट्स, बादाम, ये थोड़े से किशमिश हैं, और ये एप्पल है, इसमें है ऑरेंज और गावा। तो ब्रश वगैरह करने के बाद, मुंह वगैरह धोने के बाद मेरी आई स्वेलिंग हो रही है। आई नो, ऐसा लग रहा है मुंह नहीं धो रखा है, बट मुंह वगैरह धोने के बाद अभी हम लोग अपना सब्जी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। और किस किस ने ले ली है तो गाइज, आज ना मेरी बहन घर जा रही है क्योंकि उसको 1.5 महीना हो गया है और उसको भी घर की याद भी आ रही थी, और फिर उसको ना अपना भी देखना था, उसके इंटरव्यू वगैरह देने थे, तो इसलिए वो जा रही है। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, और उसकी ना अभी सुबह उसकी है 7:40 की फ़्लाइट है, तो यहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत पैकिंग चल रही है, ऑलमोस्ट तैयार भी हो गई है। और वो काफ़ी टाइम, मतलब 20 सितंबर को आ गई थी और अभी 1 नवंबर को जा रही है, तो वो काफ़ी टाइम हमारे साथ रह भी गई थी। और फिर उसको भी अपना देखना था ना, तो इसीलिए वो मतलब अब घर जा रही है। और फिर हमने बोला चलो इतना साथ रहेगी, और क्योंकि अभी हमारे घर से भी आने वाले हैं तो अभी ये है कि वो अपना आराम से कर सकती है। पहले तो मैं सोच रही थी कि उसको बाद में ही भेजूँगी, बट उसको भी अपनी जॉब वगैरह देखनी थी, इस वजह से फिर उसको जाना पड़ा। और थैंक यू सो मच इतने टाइम हमारे साथ रहने के लिए। और रेडी हो गई है गाजर मूली और घर जाने की खुशी देखो उसकी। तो यहाँ पे वो अपने लिए एयरिंग ढूंढ रही थी, फिर उसने कैंसिल कर दिया, और आज वो बहुत जल्दी उठ गई है, अदरवाइज वो बहुत लेट में उठती है। तो मैंने उसको उठा दिया था क्योंकि मैं खुद ही 3 बजे से उठी थी ना आज, सर्गी वगैरह की वजह से, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बाबू तैयार हो गए हैं काजल को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, काजल के बैग रेडी हैं, और यहाँ पे दी सोई है तो बस वैसे मिल के आ गई, तो मौसी के लिए रोती क्योंकि उसको मौसी के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, मतलब मौसी जब वो गई उसके बाद भी कह रही थी कि क्यों गई, वापस बुलाओ, ये वो कहने लग गई थी। तो उसके बाद ये काजल को छोड़ने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट, अभी 6:30 बज रहे हैं और थोड़ी देर तो चेकिंग में लग जाता है, उसके बाद ये यहाँ पे जाने लग गई है। और जिया जी गेट पर रेडी हैं उसको छोड़ने के लिए, और खुशी देखो मैडम की घर जाने की, यहाँ वो बहुत जोर थी क्योंकि बच्चे होते हैं ना उनका मन एक जगह पे नहीं लगता है, क्योंकि मतलब तेरी उल्टी एक टाइम होता है जब धीरे धीरे, मतलब कि ये होता है कि आदत बनानी पड़ती है। अभी तो वो छोटे हैं तो उनका मन भी करता है इधर उधर जाने का, और यहाँ मेरे साथ तो थोड़ा बहुत बोर भी हो जा रही थी। और ये देखो इसको पेट से इतना प्यार है ना कि एंजो से मिल के जा रही है, और एंजो भी इसकी हर बात मान लेता था, और ये एंजो की बहुत केयर भी करती थी। सर बताओ तो उसके घर वाले नहीं करते होंगे जितनी ये करती, तो मैडम ने निकाल दिए हैं अपने फ्लाइट के पुराने टैग, आज नए लग जाएंगे बैग में। हाँ, इसमें निकाल दे, तो मेरी तो अगर ज़्यादा किसी को होगा तो इसी के साथ भेज देना। तो ये चल गई हमारी गाजर घर के लिए, और ये उसी दिन घर पहुँच गई थी क्योंकि इसकी फ्लाइट सुबह की थी, तो उसके बाद वहाँ से घर भी चली गई। बुरा मत मानना। तो यहाँ पे अरे कई दुकान हमने हो गया है, एक दूसरे को बाय बाय, और तो मुश्किल फिर मिलेंगे जल्दी ही हम लोग। मैं उसको डांट भी देती थी, बट ये था कि मतलब कभी भी वो नहीं करती थी, उल्टा नहीं बोलती थी, बोलती है मतलब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने होते हैं ना उनको डांटा भी जाता है। तो उसके बाद ये तो चली गई और मैं घर पे अभी अकेली हूँ। हेलो गाइस,
गाइस, आप सभी को पहला को प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं हमेशा कंफ्यूज करती हूँ, मुझे बहुत मारोगी। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7:30 बजे से। आप लोग यकीन नहीं करोगे, करवा चौथ था कल और मैंने अभी शाम को 6 बजे नहाया। आज मेरा इतना सारा काम था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। पूरी साफ सफाई घर की सब कुछ करना था मुझे। तो गाइस, अभी मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, आज हमारे घर से मेरे सासू माँ और ससुर जा रहे हैं फाइनली, और बहुत खुशी हो रही है। मैंने बिल्कुल सोचा था मेरे सासू माँ आएंगी करके, सच बताऊँ तो, क्योंकि उनको वॉमिटिंग वगैरह, उनको ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फाइनली आज आ रहे हैं घर से, अभी पहुँच जाएंगे 8:30 बजे। और मेरी भी दिया बत्ती हो चुकी है यहाँ पे, जिसके आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं खाने की तैयारी, क्योंकि सब्जी अगर बनानी है। और यहाँ पे हैं ये दोनों। हेलो राजा, हाय। आज कौन आ रहा है? हाय। कौन आ रहा आज? हेलो। किसकी दादी आ रही है? मेरी आ रही है। तो जाना, आज आपके मॉम डैड आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, तो मैंने तो बता दिया ना, आप बताओ। मैंने तो तेरे को बताया। क्या बताया? मुझे तो जैसे कि पता ही नहीं था कि सास ससुर आ रहे हैं मेरे घर के। बताओ ना, कैसे लग रहा है? मम्मी पापा आ रहे हैं आपके? अच्छा लगेगा मेरे को, बहुत अच्छा लगेगा। ये आजकल बेटी को चिढ़ा रहे हैं, मेरी मम्मी भी आ रही है। मम्मी मम्मी से तेरी शिकायत करूंगा। मुझे भी दे दो, एक ही चाहिए। तो अभी हम बनाने वाले हैं मटर और आलू की सब्जी, तरी वाली, और चटनी है। इन्होंने बोला उसको और खट्टा करना है, मम्मी को खट्टा चाहिए ज्यादा करके, मुझे नहीं खाना बस, बहुत ज्यादा होगा। तो अभी यार यहाँ एक चीज है, आजकल मटर नहीं मिल रहे, वैसे सीजन भी नहीं है ना आजकल मटर का, तो फ्रोजन वाले ला रखे हैं। आलू काटते हैं, दही है, चटनी है, उसमें थोड़ा सा और खट्टा ऐड करना है। तो चलिए बनाते हैं। और आपको बता दूँ, मेरी बहन भी जा चुकी है, वो वाला जो मैंने क्लिप किया है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वो कल सुबह गई है, तो कल का व्लॉग मैंने सुबह वाला जो मैंने मॉर्निंग में शूट किया था वो नहीं डाल रखा है, अब मैं उसको भी ऐड करूँगी। तो आज यहाँ पे साफ सफाई होगी है। तो देखो, सासू माँ के लिए जो मैं कहती थी कपड़े नहीं लाई हूँ, वो भी मैं लेके आ चुकी हूँ। कपड़े कल ही ले आई थी मैं करवा चौथ के दिन। और ये रहा उनको देने के लिए सामान, श्रृंगार। इसमें बिंदी नहीं है, पता है बिंदी बहुत छोटी है, वो मम्मी नहीं पहनती हैं, तो बड़ी बिंदी लानी पड़ेगी। बाकी इसमें चूड़ी, लिपस्टिक, पायल, बिंदी, सिंदूर, क्लेचर, पिन, बिच्छू सब है। और ये रहा मम्मी के लिए सूट, अभी देखते हैं साइज आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सचेंज करके ले आऊँगी। तो चलो हम लोग बंद करते खाने की तैयारी, फिर दिखाते हैं डीके दादा और दादी को। डीके डैडा यहाँ पे खाने की तैयारी, मम्मी पापा आ रहा करके बड़े स्पेशल तरीके से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना? करना चाहिए फिर, अच्छा बच्चा। चटपटी सब्जी बनेगी आज, तरी वाली, और वो भी ज्यादा, क्योंकि हमारे घर वालों को सब्जी ज्यादा अच्छी होती है। पर मुझे आज मम्मी को बहुत वॉमिटिंग हुई, तो मम्मी ज्यादा नहीं थी। यहाँ देखो इस इंसान को, ये देखो, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी। मेरे ईजा बाबू आ रहे हैं करके, बिल्कुल आटा भी गूंथने लग गए खुशी के मारे। कह रहे कल से मेरी मम्मी खिलाएगी, बल आज मैं अपनी मम्मी को खिला देता हूँ। लड्डू मत कर यार, करो फिर, मम्मी को भूख लगी होगी। मत कर, ये देखो होगी इनकी, इनकी ये दिन भर का है। तो गाइस ये देखो, डी कितनी खुश है, उसकी दादी आ गई। दादी आ गई बिना चप्पल के, हैं? दादा कहाँ गए? ये देखो, चलो
हम लोग गए हैं नेक्स्ट डे हमारे नेवी का क्या था, हाँ दिवाली मेला यानी कि नेवी वेलफेयर था, फैमिली वेलफेयर, तो वहाँ गए थे मम्मी पापा को लेके, और डी भी और मैं भी आज ही गई थी। हमने बहुत मज़े किए, हमने तो क्या डी ने ज़्यादा मज़े किए, उसने झूला वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद हमने थोड़े से डांस परफॉर्मेंस वगैरह देखे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, और हमने खाया पे वहाँ पे बहुत सारा खाना, बहुत सारा तो नहीं मतलब कुछ कुछ, जैसे पापा ने बिरयानी, हम लोगों ने छोले भटूरे, बट अच्छा था और ठीक लगा मुझे, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्या काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी लग रही थी। तो डीज के बाद फिर गई जंपिंग वाले में, और यहाँ पे चल रहा है डांस परफॉर्मेंस, और डांस परफॉर्मेंस मुझे एक दो बहुत अच्छे लगे। तो बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा घूमा फिरा, मज़े किए, और फिर हम लोग घर को आ गए। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके।